हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। वीडियो के ऊपर बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट स्ट्रिक रॉम के बारे में। तो यहाँ पर ऑफिशियली पोकेफन डिवाइस के लिए जो एंड्रॉइड 12 के साथ प्रोजेक्ट स्ट्रिक का जो रॉम है अवेलेबल हो गया है। एंड इस वीडियो के ऊपर हम इसी रॉम का जो रिव्यू है आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम में जरूर से फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले देख पाओगे यहाँ पर पोकेफन डिवाइस के ऊपर हमने इस रॉम को ऑलरेडी इंस्टॉल किया है। तो सिंपली चलते हैं सेटिंग्स मेनू के ऊपर, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन को यहाँ पर एड किया गया है इस रॉम के ऊपर। तो सेटिंग्स मेनू देख पाओगे कंप्लीटली चेंज हो गया है, नया वाला जो रीडिजाइन सेटिंग्स यूआई देने को मिलेगा इस रॉम के साथ। देखिए पड़ो कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर सेटिंग्स मेनू देने को मिलेगा। एंड यहाँ पर आपको राउंडेड कॉर्नर भी देने को मिलता है, प्लस यहाँ पर जो आइकॉन है इसमें भी चेंजेस किया गया है सेटिंग्स मेनू के ऊपर। और देख पाओगे यहाँ पर एज बिल्ड है 12.0 का ऑफिशियल बिल्ड है अपने पोकेफोन डिवाइस के ऊपर। 5th of January 2022 का जो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट है यहाँ पर देने को मिलेगा, प्लस यहाँ पर 4.9 सिल्वर कोर कर्नल को यूज किया गया है इस रॉम के साथ, जो कि काफी बढ़िया बात है। तो एज बिल्ड है तो ऑफिशियल बिल्ड है। एंड यहाँ पर देखते हैं क्या क्या ऑप्शन को एड किया गया है इस रॉम के साथ। तो सिंपली चलते हैं सेटिंग्स के ऊपर। एज वेल यहाँ पर जो पिच ब्लैक सिस्टम थी मैं इसे भी अब यूज कर सकते हो। इसे ऑन करने के बाद सिंपली यहाँ पर जो डार्क मोड है उस सबको एनेबल करना होगा। एंड यहाँ पर देख पाओगे डार्क मोड के साथ ये जो पिच ब्लैक थी मैं कुछ इस तरह से काम करेगा एंड काफी बढ़िया है। एंड अगर आपके डिवाइस के ऊपर एमोलेड डिस्प्ले है इसे आप यूज कर सकते हो, बट पोकेफोन डिवाइस के ऊपर तो एमोलेड डिस्प्ले है नहीं, बट फिर भी पिच ब्लैक थी में इसे भी ऐड किया गया है इस रॉम के साथ, जो कि काफी बढ़िया बात है। प्लस यहाँ पर चाहो तो आप जो है प्लेन कलर को भी यूज कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। तो यहाँ पर आपको ये सभी जो ऑप्शन है अवेलेबल है। एंड यहाँ पर हम डार्क मोड को ऑफ कर देते हैं, तो सिंपली यहाँ पर डार्क थीम को ऑफ करते हैं। तो ये सभी ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ पर आप अलग अलग आइकॉन पैक को आप सिलेक्ट कर सकते हो, जो प्लेन कलर का फीचर से इसे भी ऐड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं सर्च बार के बारे में। तो यहाँ पर आपको 4G आइकॉन जो है उसे आप दिखा सकते हो, आप LTE आइकॉन की जगह 4G आइकॉन को दिखा पाओगे। प्लस डबल टैप टू स्लिप का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। तो सिंपली इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद अगर आप यहाँ पर डबल टैप करोगे ऑटोमेटिकली आपका जो फोन है उसको स्लिप मोड में चला जाएगा। तो यहाँ पर डबल टैप टू स्लिप का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। कॉम्बाइंड सिग्नल आइकॉन का जो फीचर है इसे भी ऐड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं लॉक स्क्रीन के बारे में। तो लॉक स्क्रीन के ऊपर आपको डबल टैप टू स्लिप का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। अगर आप लॉक स्क्रीन में जाकर यहाँ पर अगर आप डबल टैप करोगे तो आपका जो फोन है उसको स्लिप मोड में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन के ऊपर जो डबल टैप टू स्लिप का ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एडवांस रिबूट का ऑप्शन। जो पावर मेनू का ऑप्शन है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो सिंपली यहाँ पर रिकवरी बुटलॉर को बड़ा बूट कर सकते हो। आपको यहाँ पर एडवांस रिबूट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप डायरेक्टली रिकवरी एंड बुटलॉर को बड़ा बूट कर पाओगे। तो आपको यहाँ पर एडवांस रिबूट का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। सभी ऑप्शन आपको देने को मिलेगा इस रॉम के साथ। तो ज्यादा कस्टमेशन ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है इस रॉम के ऊपर। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पाओगे यहाँ पर जो सर्च बार के ऊपर यूआई है यहाँ पर जो पावर मेनू का ऑप्शन है यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है। वाईफाई काम कर रहा है, ब्लूटूथ काम करता है, फ्लैशलाइट भी यहाँ पर काम करता है, डार्क थीम काम करता है, हॉटस्पॉट भी काम कर रहा है, लोकेशन भी काम करता है, एक्स्ट्रा डिम का जो ऑप्शन है ये भी काम करता है, 3% को आप एनेबल कर सकते हो। एंड यहाँ पर जो थर्मल मोबाइल है थर्मल मोबाइल के ऊपर इसे भी ऑप्शन देने को मिलेगा, तो इसे भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर शाओमी पार्ट्स को भी ऐड किया गया है। तो यहाँ पर इस रॉम के ऊपर जो एमआई का साउंड एनहांसर यहाँ पर ऐड किया गया है। अलग अलग जो हेडफोन टाइप है आप ये सिलेक्ट कर सकते हो, प्लस अलग अलग जो प्रीसेट है इसे भी आप सिलेक्ट कर पाओगे। तो यहाँ पर इस के साथ जो MI का साउंड एनहांसर है इसे भी ऐड किया गया है। स्क्रीनशॉट का जो साउंड है उसे बंद कर सकते हो, टच वाइब्रेशन टच साउंड को बंद कर सकते हो, एज वेल जो चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन है एंड जो स्क्रीन लॉक साउंड है उसे बंद कर सकते हो। ये सभी ऑप्शंस अवेलेबल है, बट यहाँ पर कोई भी कस्टमाइजेशन फीचर्स अवेलेबल नहीं है इस रॉम के साथ। लॉक स्क्रीन के ऊपर जो है टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो। एंड यहाँ पर वेकअप स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन इसे भी ऐड किया गया है। आपके फोन के ऊपर कोई भी नोटिफिकेशन आने में ऑटोमेटिकली आपका जो फोन की स्क्रीन है दोस्तों वेकअप होगा। प्लस एडिशनल सेटिंग्स के ऊपर आपको यहाँ पर देख पाओगे पॉकेट मोड है एंड हैंड वेव ये सभी मोड को ऐड किया गया है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नाइट लाइट का फीचर। नाइट लाइट का जो फीचर से ये भी काम करता है, नो इश्यू एट ऑल। एंड यहाँ पर आप शेड्यूल भी कर सकते हो नाइट लाइट का जो फीचर से ये भी काम करता है। ऑटो रोटेशन के ऊपर जो है फेस का ऑप्शन से यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। एंड टैप टू वेकअप का जो फीचर से यहाँ पर डबल टैप टू वेकअप का जो फीचर से इसे भी ऐड किया गया है। अगर आप इस ऑप्शन को अवेलेबल कर दोगे उसके बाद अगर आप यहाँ पर डबल टैप करोगे ऑटोमेटिकली आपका जो फोन है तो वेकअप होगा। अगर आप इस ऑप्शन को अवेलेबल करते हो तो आपका जो फोन का बैटरी है थोड़ा सा ज्यादा ड्रेन होगा। तो थीम आइकन का जो फीचर से कुछ इस तरह से काम करता है, बढ़िया है। जो मोनोरोल का सपोर्ट है यहाँ पर देने को मिलेगा, बट वॉलपेपर कलर एंड जो बेसिक कलर का ऑप्शन से यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आपको ऐप ग्रिड के ऊपर ऐसे भी ऑप्शन देने को मिलेगा, 5x5, 4x4, 3x4 का ऑप्शन देने को मिलेगा, जो कि काफी बढ़िया बात है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं सिक्योरिटी के बारे में। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन है यहाँ पर अवेलेबल है, फेस अनलॉक एंड जो ऐप लॉक है अवेलेबल नहीं है। एंड ये जो बिल्ड है तो इनक्रिप्टेड बिल्ड नहीं है, बट इस हमको फ्लैश करने के दौरान आपको यहाँ पर क्लीन फ्लैश करना होगा। नाउ देखते हैं फिंगरप्रिंट कैसा है। तो देखिए यहाँ पर फिंगरप्रिंट काफी फास्ट आपको देने को मिलेगा। एंड यहाँ पर जो रैपिड एनिमेशन है इसे भी ऐड किया गया है, काफी फास्ट एंड एक्यूरेट आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर देने को मिलता है इस रॉम के साथ, जो कि काफी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर काम करते हैं, काफी फास्ट एंड एक्यूरेट है। यहाँ पर जो फेस अनलॉक है एंड जो ऐप लॉक है अवेलेबल नहीं है। एंड आई डोंट नो कब यहाँ पर जो फेस अनलॉक है अवेलेबल होने वाला है एंड्रॉइड 12 के साथ।
नेक्स्ट आप देख पाओगे प्राइवेसी का जो ऑप्शन इसे ऐड किया गया है, कैमरा एक्सेस और माइक्रोफोन एक्सेस को बंद कर सकते हो। प्राइवेसी डैशबोर्ड का जो ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है। इसके साथ आप देख पाओगे कौन कौन से एप्लीकेशन कैमरा माइक्रोफोन का एक्सेस पूछ रहा था। तो एंड्रॉइड 12 के साथ जो प्राइवेसी का ऑप्शन है उसे भी इम्प्रूव किया गया है, जो कि काफी बढ़िया बात है। नेक्स्ट यहाँ पर जो लोकेशन का ऑप्शन है ये भी काम कर रहा है, लोकेशन के साथ कोई भी इशू वाली बात नहीं है। इस रोम के साथ जो लोकेशन है काफी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं सिस्टम के बारे में। तो देखिए यहाँ पर शाओमी पार्ट्स का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है, एंड कोई भी ओटी अपडेट का जो ऑप्शन है इसे ऐड नहीं किया गया है। इवन जो लाइव ट्रांसलेट का फीचर है इसे भी ऐड नहीं किया गया है। गेस्टर्स के ऊपर क्विकली ओपन कैमरा का ऑप्शन है, इसके साथ आप कैमरा एप्लीकेशन को ओपन कर पाओगे। तो सिंपली यहाँ पर जो पावर बटन इसे अगर आप डबल टैप करोगे तो जो कैमरा एप्लीकेशन से ओपन हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है काफी ज्यादा यूजफुल आपको देने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं सिस्टम नेविगेशन के ऊपर। यहाँ पर आपको 2 बटन नेविगेशन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, 3 बटन नेविगेशन एंड जो गेस्टर्स नेविगेशन का ऑप्शन है अवेलेबल है। एंड यहाँ पर कोई भी कस्टमेशन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ जो गेस्टर्स बार है उसे आप चाहो तो हाइड कर सकते हो। यहाँ पर आपको गेस्टर्स बार को हाइड करने का जो ऑप्शन है यहाँ पर ऐड किया गया है, बट यहाँ पर जो 2 बटन नेविगेशन का ऑप्शन है यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर 1 हैंडेड मोड को ऐड किया गया है। 1 हैंडेड मोड का जो ऑप्शन है इसे ऐड किया गया है। इसके साथ जो है सिंपली अगर आप यहाँ से स्वाइप डाउन करोगे तो 1 हैंडेड मोड एनेबल हो जाएगा, तो इसे भी ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है उसे भी आप ओपन कर पाओगे। 1 हैंडेड मोड का जो शॉर्टकट है उसे भी ऐड किया गया है। तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 12 के साथ जो 1 हैंडेड मोड है ये भी देखने को मिलेगा। प्रेस एंड होल्ड पावर बटन टू एनेबल गोल असिस्टेंट इसे भी ऐड किया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर 3D Mark के बारे में। तो यहाँ पर 3D Mark के साथ जो वाइल्ड लाइफ है उसके साथ हमें 1968 का जो स्कोर देने को मिलता है पोकेफोन के साथ। तो देखिए पा लो यहाँ पर 3D Mark का जो स्कोर है काफी बढ़िया है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं गीगबेंच 5 के बारे में। तो सिंगल कोर के साथ 501, मल्टी कोर के साथ 1906 का स्कोर है गीगबेंच 5.4.4 के साथ। एंड्रॉइड 12 के साथ जो स्कोर देने को मिलता है काफी बढ़िया है। एंड यहाँ पर जो एवरेज स्कोर देख पाओगे सिंगल कोर के ऊपर ज्यादा है, प्लस जो मल्टी कोर का स्कोर है एवरेज से ज्यादा है। तो यहाँ पर सिंगल कोर मल्टी कोर दोनों के ऊपर जो है एवरेज से ज्यादा स्कोर देने को मिलता है, जो काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर जो सेफ्टी नेट है यहाँ पर फेल्ड हो गया है। गूगल पे फोन पे सर की जो एप्लीकेशन होगी बाय डिफॉल्ट इस रॉम के ऊपर काम नहीं करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं सीबू थर्निंग टेस्ट के बारे में। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से जो यहाँ पर हमें स्कोर देने को मिलता है। यहाँ पर एवरेज 151 एंड मिनिमम है 139। तो यहाँ पर जो है ग्राफ भी आप देख पाओगे 75% का सीबू थर्नल देने को मिला है। यहाँ पर मैक्स सीबू गया है 2.80 GHz तक। तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है इस रॉम का इतना बढ़िया नहीं है, यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको इतना बढ़िया देने को नहीं मिलेगा इस रॉम के साथ। एंड डेफिनेटली ये जो रॉम है आप ट्राई करके देख सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो एंड्रॉइड 12 को, बट यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस जो इतना बढ़िया देने को नहीं मिलेगा। कैमरा टू एपीआई की अगर बात करें देख सकते हो यहाँ पर कैमरा टू एपीआई के साथ जो है फुल का सपोर्ट है। तो यहाँ पर जी कैम और गूगल कैमरा काम कर जाएगा, नो इशू एट ऑल। यहाँ पर काफी बढ़िया तरीके से जी कैम जो है काम करता है, तो जी कैम को यहाँ पर काम करता है नो इशू एट ऑल। तो यहाँ पर गूगल कैमरा काम करेगा प्लस जो जी कैम को है काम करेगा। एंड बाय डिफॉल्ट ए वाला जो कैमरा एप्लीकेशन से देने को मिलेगा, तो ये जो कैमरा एप्लीकेशन से काफी ज्यादा बेसिक से कैमरा एप्लीकेशन से इसे यूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये जो कैमरा एप्लीकेशन से देने को मिलता है ये जो रॉम है दोस्तों, इस रॉम के ऊपर आपको प्योर AOSP का जो एक्सपीरियंस है देने को मिलेगा। इस रॉम के ऊपर आपको ज्यादा कस्टमाइजेशन फीचर्स अवेलेबल नहीं है, तो अगर आपको कस्टमाइजेशन चाहिए तो दूसरा कोई कस्टम रॉम को आप ट्राई करके देख सकते हो। यहाँ पर इस रॉम को किस तरह से फ्लैश करना होगा आपके पोकेफोन डिवाइस को, तो सिंपली जो लेटेस्ट TWR रिकवरी और लेटेस्ट ऑरेंज फॉक्स रिकवरी का जो कस्टम रिकवरी का वर्जन है आपके फोन के ऊपर इंस्टॉल होना चाहिए। तो सिंपली कोई भी कस्टम रॉम को फ्लैश करने से पहले मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा। तो यहाँ पर सिंपली जो है कस्टम रिकवरी के अंदर बूट करना होगा। कस्टम रिकवरी के अंदर बूट करने के लिए यहाँ पर पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को एक साथ प्रेस एंड होल्ड करके रखना होगा। उसके बाद आपका जो फोन है उसको कस्टम रिकवरी के अंदर रिबूट हो जाएगा। कस्टम रिकवरी के अंदर बूट होने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर वाइप करना होगा, क्लीन फ्लैश करना होगा। वाइप करने के बाद सिंपली आपको जो है यहाँ पर इंस्टॉल में जाके इस रॉम को सिलेक्ट करके फ्लैश कर देना होगा। अगर आपको रूट करना है तो आपको अलग से रॉम रिबूट होने के बाद सेटअप करने के बाद जो है फिर से कस्टम रिकवरी के अंदर बूट करने के बाद मैजिस को फ्लैश कर देना होगा। रॉम के साथ जो है मैजिस को फ्लैश मत करना। यहाँ पर कैमरा भी काम करता है, वाईफाई भी काम करता है, हॉटस्पॉट भी काम करता है, मोबाइल डेटा भी काम करता है, यहाँ पर वॉल्टी भी काम कर रहा है, वो वाईफाई भी काम कर रहा है। एंड वीडियो कॉलिंग के साथ जो है माइक भी काम कर जा रहा है, जो कि काफी बढ़िया बात है। बट यहाँ पर जो पावर मेनू का ऑप्शन है यहाँ पर देने को नहीं मिलेगा। एंड कोई भी कस्टमाइजेशन ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो एजी बिल्ड आपको देने को मिलेगा पोकेफोन डिवाइस के लिए ऑफिशियल बिल्ड है। एंड यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है लगभग 5 to 6 आवर के आसपास जो यहाँ पर बैटरी बैकअप देने को मिलेगा। यहाँ पर जो थर्मल पावर का ऑप्शन इसे ऐड किया गया है। कस्टमाइजेशन फीचर्स आपको यहाँ पर इस रॉम के साथ देने को नहीं मिलता है। बाकी देख पा रहे हो ये सभी ऑप्शन है, यहाँ पर ढेर सारे जो कस्टमाइजेशन ऑप्शन है यहाँ पर देने को नहीं मिलेगा इस रॉम के साथ। इस रॉम के साथ जो प्योर AOSP का जो एक्सपीरियंस है देखने को मिलेगा, जो कि काफी बढ़िया है। फेस अनलॉक अवेलेबल नहीं है, ऐप लॉकर भी अवेलेबल नहीं है। एंड यहाँ पर
देख पाओगे इस सभी ऑप्शन से। लोकेशन भी काम करते हैं, लोकेशन के साथ कोई भी इशू वाली बात नहीं है। इस रॉम के साथ कैमरा टू वे भी एनेबल है, जीकैम भी काम करते हैं। हमने यहाँ पर गूगल कैमरा को ट्राई करके देखा था, वो भी काम कर जा रहा है जो कि काफी बढ़िया बात है। एंड इस रॉम का जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी बढ़िया है, बट डेफिनेटली आपको और भी अच्छा परफॉर्मेंस देने को मिलेगा और कोई दूसरा कस्टमरों के ऊपर। आपको ये जो रॉम है इस रॉम के साथ डेफिनेटली गेमिंग के दौरान अच्छा परफॉर्मेंस देने को नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल अगर आप इस रॉम को डाउनलोड करना चाहते हो आपके पोकेफोन डिवाइस के ऊपर, तो इस रॉम का जो डाउनलोड लिंक रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाकर इस रॉम को डाउनलोड करके आपके पोकेफोन डिवाइस को ट्राई करके देख सकते हो। और कोई दूसरा कस्टम रॉम का रिव्यू वीडियो चेकआउट करना चाहते हो तो पोकेफोन का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर चेकआउट करके देख सकते हो। एनीवे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट जरूर से करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।